How are you all? All are fine. Very good. So babies, मुझे बताओ, आप सबको अच्छे से पता है काउंट एंड राइट हमने नर्सरी क्लास में भी किया था, है ना? काउंटिंग भी हमें आती है और हमने जब कट सम्स किए, एड सम किए, उसमें भी हमने काउंटिंग सीखी थी. यस, तो बेबीज अब मुझे फटाफट से बताओ हमारी कितनी फिंगर्स हैं. लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5. वन हैंड में हमारी कितनी है? 5. और दूसरे हैंड में कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो हमारे कितनी फिंगर्स होगी टोटल? 10. हमने काउंट करा. नाउ टेल मी हाउ मेनी आईज डू वी हैव. कैसे पता चलेगा? 1, 2. आप मुझे आंसर कैसे देंगे? वी हैव टू आईज. यस, हाउ मेनी हैंड्स डू वी हैव? वी हैव टू हैंड्स. हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव? वी हैव टू ईयर्स. तो मैम आपसे क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी. तो आपको पता चल गया, जब मैम ने पूछा हाउ मेनी तो मैम आपसे पूछ रहे कितने, वो हमें कैसे पता चला? काउंट करके. यस, ओके बेबीज, तो जब भी हमें कुछ पूछते हैं हाउ मेनी कितने हैं, तो हम काउंट करके देखेंगे. अब मुझे बताओ हाउ मेनी नोज डू वी हैव? कोर्स 1, हमने देख लिया 1, है ना? तो हाउ मेनी फिंगर्स जब थी तो हमने फटाफट से काउंट कर ली. तो बेबीज ऐसे जब कुछ पूछते हैं हम आपसे हाउ मेनी, तो हम काउंट करके पहले देखते हैं. हाउ मेनी मतलब होता है कितने. यस, तो इसी तरह आज हम अपने हाउ मेनी के ऊपर एक वर्कशीट करेंगे. कम विद मी. ओके बेबीज, हमारी वर्कशीट की हेडिंग क्या है? हाउ मेनी. अभी हम इसके बारे में बात करके हटे हैं ना. हाउ मेनी मतलब कितने. तो लेट्स रीड आउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर. क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? हाउ मेनी बॉल्स आर देयर. तो अभी तो मुझे नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? काउंट करूंगी. लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितनी बॉल्स होगी? 6 बॉल. तो मैं यहां क्या लिखूंगी? अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर. अब मुझे वैसे तो देयर की स्पेलिंग लर्न है, पर मैं कहां से देख सकती हूं? मैं यहां से भी देख सकती हूं अगर मैं भूल गई तो. तो बेबीज जैसे मैम आपको हमेशा बताते हैं, सेंटेंस लिखने से पहले जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल. तो हम कैपिटल टी लिखेंगे. टी एच ई आर ई. देयर आर कितनी बॉल्स हमने काउंट की थी? 6. तो 6 की स्पेलिंग सबको आते हैं. S I X. 6 balls. B A L L S and full stop. Okay babies, there are 6 balls. अब ऐसे घबराना नहीं है कि हम इतनी लंबी लाइन कैसे लिखेंगे. आपने रीडिंग की प्रैक्टिस करी है, मैम आपको बार बार कहते हैं रीडिंग की प्रैक्टिस करो. हमें रीडिंग आती है, हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर. अब मुझे आंसर देना भी आता है, हमने कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करी है. हम क्या बोलते हैं? काउंट हमने यहां से कर लिया. देयर आर 6 बॉल. देयर की स्पेलिंग हम कई बार भूल जाते हैं, तो हम यहां से देख सकते हैं. देयर आर 6 बॉल्स. ओके बेबीज, नेक्स्ट. हाउ मैनी स्टार्स आर देयर. अगेन वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी मतलब कितने स्टार्स हैं. तो काउंट कर लेते हैं ये भी. 1, 2, 3. कितने स्टार्स हैं? 3. तो हम क्या लिखेंगे? फिर से हम टी कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. टी एच ई आर ई. देयर ए आर ई. आर 3 के स्पेलिंग बताओ मुझे. वेरी गुड. टी एच आर ई ई. 3 स्टार्स. एस टी ए आर एस. स्टार्स एंड फुल स्टॉप. देयर आर 3 स्टार्स. ओके, नेक्स्ट. हाउ मेनी ट्रीज आर देयर. लेट्स काउंट 1, 2. तो वी विल राइट देयर टी एच ई आर ई. देयर आर ए आर ई आर. 2 के स्पेलिंग हमें आते हैं. टी डब्ल्यू ओ 2. देयर आर 2
T-R-E-E-S, trees, and full stop. There are two trees. Okay, babies, next. How many kites are there? Let's count. 1, 2, 3, 4. So, hum kya likhenge answer mein? There. T-H-E-R-E. There are. A-R-E. R 4. F-O-U-R. 4 kites. K-I-T-E-S. Kites and full stop. अब देखिए kites की spelling हमें नहीं पता चल रहे तो हम ऊपर से देख सकते हैं. Okay? Next. How many ducks are there? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. Let's write. There. T-H-E-R-E. There are. A-R-E. R. There are 5. F-I-V-E. 5 ducks. D-U-C-K-S. Ducks. Okay, babies? There are 5 ducks. Okay, let's read out. How many balls are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमने क्या लिखा? There are 6 balls. How many stars are there? 1, 2, 3. There are 3 stars. How many trees are there? 1, 2. There are 2 trees. How many kites are there? 1, 2, 3, 4. There are 4 kites. How many ducks are there? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 ducks. Okay, babies. तो ये आपकी वर्कशीट है. मैम इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर रहे हैं. जैसे आप बाकी वर्कशीट्स की या तो पीडीएफ निकाल प्रिंट आउट करवा लीजिए या मम्मा पापा सेम आपको बना के दे देंगे. आप उसमें काम करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे. प्लीज अब ध्यान से देखिए आपको अपनी नोटबुक में वर्कशीट कैसे पेस्ट करनी है. नोटबुक ओपन करिए. वर्कशीट की बैक साइड पर ऐसे फेविकॉल लगा लीजिए. ठीक है बेबीज. उसके बाद आपको अपनी नोटबुक ऐसे खोलनी है और साइड पर इसको पेस्ट कर देना है. ये देखिए ऐसे पेस्ट कर दे. यहाँ पर आप लिखेंगे डेट और पेस्ट करने के बाद आप वर्कशीट को ऐसे फोल्ड कर देंगे सो दैट आपकी वर्कशीट मिसप्लेस ना हो. थैंक यू. हैव अ गुड डे.